मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि सभा और गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष अरुण अग्रणी ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान डॉक्टर प्रदीप पांडे, महेंद्रनाथ मिश्रा, प्रेमलता चतुर्वेदी, बाल मुकुंद चतुर्वेदी, नासिर मुन्ना, उमेश खन्ना सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष अरुण अग्रहरी ने कहा, अरुण कुमार अग्रहरी, निवर्तमान अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। आज का ये कार्यक्रम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी के 75वीं जयंती के अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर के द्वारा ये उनके जयंती को मनाने के लिए हम लोग यहाँ सब एकत्रित हैं। और आज के दिन हम लोग एकत्रित होकर हम लोग ये एक संकल्प लेते हैं कि उन्होंने जिस तरह सूचना तकनीकी की क्रांति में युवाओं को 18 साल में मताधिकार देने का काम किया या पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने सत्ता को गांव के अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का काम किया, इस तरह की जो भी उनकी उपलब्धियां हैं वो सारे उपलब्धियों को हम जन जन तक समस्त कांग्रेसियन पहुंचाने का काम करें, जिससे हमारे छात्र और युवा पढ़ी अपने महापुरुषों के जीवन से, जीवन काल से, को उन्होंने किस तरह से देश और समाज के लिए सदैव अपने सुखों का, अपने हितों का न्यौछावर करते हुए इस समाज और देश को समर्पित किया, इसी के लिए हम सब लोग यहाँ पर।